हर बार सोचता हूँ कि इस बार तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर क्या करूँ ये दिल कैसे मनाऊं यार इसको। अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के फोर्थ एपिसोड तक जब तक मैं इसके एंडिंग तक नहीं पहुंचा था, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था कि यार मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन जिसके एंडिंग तक जाते जाते इसके कुछ एंडिंग के जो इसके फोर्थ एपिसोड के लास्ट के कुछ सेकंड ने मेरा मन बिल्कुल बदल दिया। एट द एंड हमें पता चल जाता है कि जो लंगड़ा त्यागे जो लंगड़ा है वही एरन है। क्योंकि यार देखो पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी एपिसोड 3 के ऊपर, तो उसमें एक कमेंट आया था कि यार वो लंगड़ा ही एरन है, ये किसने कहा। तो मैं इस चीज को देखकर डर गया था, मैं कहा यार तुझे नहीं पता कि लंगड़ा ही एरन है यार, अगर ये गलत निकला तो यार लोगों में तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना यार डर सा लगने लग गया यार कि यार अब ये लोग मेरी ना खिल्लियां उड़ा देंगे यार, तुझे यही नहीं पता और एनीमे देखने चला। एट द एंड ये साबित हुआ कि लंगड़ा ही एरन है, तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि यार, और फिर लगा कि यार अब तो वीडियो बनानी बनती है। जब मैं अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का फोर्थ एपिसोड देखने बैठा था, तो मैंने एक मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, एक सेकंड के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी जब ये सामने चल रहा था। मैं ऐसे मतलब अपनी नजरें गड़ाकर बैठा हुआ था कि एक एक चीज मुझे देखनी है, अच्छे से चीजों को पढ़ना है, जानना है। और मुझे उम्मीद थी, मैं अपनी उम्मीद, मुझे उम्मीद तो मेरी चलो वो खराब हो गई, मैं लगाकर बैठा था काफी ज्यादा कि यार हाँ अब ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला, अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला। लेकिन नहीं, एपिसोड खत्म हो जाता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कि वारहैमर टाइटन जो है वो अब उसकी जो फैमिली के पास जो वारहैमर टाइटन है वो हमें इंट्रोड्यूस की जाती है। वो मार्ले जो मिलिट्री है उसके ऊपर अपना बहुत ज्यादा दबदबा रखती है, बाहर के लोगों के ऊपर दबदबा रखती है, लोग इसकी बातों को सुनते हैं, इस जो परिवार है। तो ये जो है ये युद्ध का आगाज कर देते हैं, आगाज कर क्या देते हैं, मतलब हो चुका है युद्ध अब स्टार्ट। और लास्ट तक आते आते एरन और राइनर एक बेसमेंट में आमने सामने खड़े हैं 4 साल बाद इसके एपिसोड के फोर्थ के लास्ट में जब ये दिखाया जाता है। यार ये जो चीज थी, मतलब ये कहूंगा कि मैंने कुछ भी था, मतलब सीजन इसके फोर्थ एपिसोड कुछ भी था, लेकिन इसके कुछ सेकंड्स ने, इसके लास्ट के सेकंड्स ने यार इसका लेवल और ज्यादा उठा दिया। अब मुझे फिफ्थ एपिसोड का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यार इससे और ज्यादा क्यूरियोसिटी और ज्यादा बन गई है कि अब तो यार अब भयंकर होने वाला है। अब देखो यार किसी ने भी जिसने मांगा पढ़ रखे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार तुम्हें, मुझे पता है यार तुम लोग ऑलरेडी मुझे एक स्पॉइलर दे चुके थे इस एरन के बारे में, और अब कोई स्पॉइलर दिया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुम्हारे कमेंट डिलीट कर दूंगा यार, क्योंकि बिना पढ़े तो कैसे डिलीट कर सकता हूं। बट मैं पढ़ने वाला, बट प्लीज यार मतलब करार मत करना यार कोई भी इंटरेस्ट। जिन्होंने ये एपिसोड 4 देख लिए और आपको ये कैसी लगी है, आपने कुछ ब्रेक डाउन किया है इस एपिसोड 4 के बारे में, तो प्लीज कमेंट करना। सिर्फ और सिर्फ आपने ये एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज ही देखी है, इसके अलावा मांगा नहीं पढ़ा, आई होप सो आपने नहीं पढ़ी हो, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो कि आपको कैसी लगी। और जिन्होंने अब तक नहीं देखा यार जाकर देखो यार, बहुत अच्छा है। और एक तरीके से ये वाली जो चीज है कि हम हर दिन के मतलब कि हर हफ्ते वेट करते हैं एक एपिसोड आएगा और बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं, तो पुराने वाले टाइम याद आ रहे हैं कि हाँ किसी एपिसोड के लिए वेट किया करते थे। और ये जो चीजें अब हो रही हैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ यार जो मांगा पढ़ने वाले प्लीज यार स्पॉइलर देकर इंटरेस्ट खराब मत कर देना, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा दिल के कनेक्ट हो जाती है चीजें। और ऐसा लग रहा है कि यार आने वाले टाइम में ये मतलब अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये सारी चीजें देख लेंगे, तो ये सब चीजें जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले, हमारे लाइफ के इतिहास के पन्नों में, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना, मतलब हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सब चीजें। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।